सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टेंटली वर्चुअल ATM कार्ड दिया जाता है और इस अकाउंट के सहायता से आप किसी भी UPI ऐप जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया और Paytm जैसे ऐप्स को भी बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। और अभी आप इस अकाउंट को अपना घर बैठे फुल वीडियो कॉलिंग के साथ अपना मोबाइल फ़ोन से खोल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आपको इस अकाउंट को खोलना है। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर इसी तरह का वीडियोस देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पर एयरटेल ऐप को सर्च कर लेना है। जैसे आप एयरटेल ऐप सर्च करेंगे आपके सामने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आ जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे सिंपली ओपन करना है। जैसे आप यहां से ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको जो परमिशन है उसको अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। आप जो मोबाइल नंबर इस अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहां पे डालना है। यहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एयरटेल थैंक्स ऐप है तो यहां पे एयरटेल नंबर ही डालना है। ऐसा नहीं है गाइस, आपके पास जियो का सिम है या फिर BSNL का सिम है या चाहे VI का सिम है, जो भी सिम है आप यहां पे नंबर डाल सकते हैं। तो यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपका इस मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया जाएगा। OTP आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जो है मेरा OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का परमिशन मांगेगा। तो ऊपर का जो ऑप्शन है व्हाइल यूजिंग द ऐप, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद आप सिंपली एयरटेल थैंक्स ऐप का डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एयरटेल वॉलेट को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आप ऊपर ऑप्शन है गेट वॉलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। आपको वही नाम डालना है जो नाम आपका ID में है, जैसे पैन कार्ड में है, जैसे आधार कार्ड पासपोर्ट में जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। अपना डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे, ईमेल ID यहाँ पे डालेंगे, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे अपना ID प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है डॉक्यूमेंट नंबर। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड का जो आधार नंबर है वो डाल देना है। पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो चेकबॉक्स है इसको आप टिक लगाएंगे। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे जो है कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे भर के कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको 4 डिजिट का एक MPIN बना लेना है। इस MPIN का आपका तभी जरूरत पड़ेगा जब आप इस अकाउंट को यूज करेंगे। तो आप किसी भी 4 डिजिट को यहाँ पे डालेंगे, उसी 4 डिजिट को आप नीचे दोबारा डाल के कन्फर्म कर लेंगे। तो चलिए मेरा MPIN यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो अपना MPIN यहाँ पे डालने के बाद सिंपली यहाँ पे नीचे डाउन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा। OTP को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ पे जो कंफर्म का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफिकेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे जो है मेरा वॉलेट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इस वॉलेट में मेरे को 10,000 का लिमिट दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे अभी सेविंग अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए नीचे जो ऑप्शन है एक्सप्लोर, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते मेरा जो वॉलेट है यहाँ पे आ चुका है। वॉलेट में बैलेंस 0 है तो अभी मैंने इसको एक्टिवेट किया है। उसके बाद आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे स्क्रॉल कराना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सेविंग अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट का पूरा बेनिफिट्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप इसे ओवररीड करने के लिए नीचे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, पैन कार्ड का जो पैन नंबर है इस पर डालना होगा। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरा आधार नंबर और पैन नंबर यहाँ पे डाल के सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। OTP को आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग का टाइम ले सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रियल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ओरिजिनल एड्रेस, आपका फोटोकॉपी साफ यहाँ पे आ जाएगा जो कि बैंक ने ऑटोमेटिकली आपका आधार कार्ड से ले लिया है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालेंगे, उसके बाद मदर्स नेम यहाँ डालेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट मेरिटल स्टेटस करेंगे तो मेरिड है तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, अनमेरिड हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल ID यहाँ पे डालेंगे,
करेंगे, उसके बाद आपका प्रोफेशन इस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, होम मेकर, यहाँ पे एग्रीकल्चर, सब तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है तो आपका हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एनुअल इनकम जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख सब तरह का ऑप्शन है तो आपका हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज इन आधार, आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस पे फिलहाल आप रहते हो तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका दूसरा एड्रेस में अभी आप रहते हो तो नो पर सेलेक्ट करके उसके बाद आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, पिन कोड, स्टेट, सिटी सब कुछ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना नॉमिनी का डिटेल्स भर देना है। आपका कुछ हो जाने के बाद आपका अकाउंट में जो पैसा रहेगा वो जिसको मिलेगा उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे कि नॉमिनी का नाम यहाँ डालेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इस पर डालेंगे, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नॉमिनी का जो एड्रेस है इस पर आपको भर देना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इस पर सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे, और अगर अलग है तो नो पर सेलेक्ट किया रहेगा। उसके बाद नॉमिनी का फ्लैट नंबर, लोकेलिटी, पिन कोड, स्टेट ये सब भर के सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मेरा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे भर के मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका खाली केवाईसी का कंप्लीट करना है। आप दो तरीके से अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल के थ्रू भी अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी किसी भी एयरटेल स्टोर में जाके अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है। वीडियो केवाईसी करना बहुत ही आसान है। आप जिस टाइम अपना केवाईसी करना चाहते हैं उस टाइम आप शेड्यूल नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एयरटेल पेमेंट बैंक का एक एजेंट के साथ लाइव वीडियो कॉल में जुड़ जाएंगे, वो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेगा। तो केवाईसी करने के लिए आपको खाली ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड शो कराना होता है और आपको एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाना होता है तो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो केवाईसी करने का जो टाइम स्लॉट है वो बैंकिंग आवर्स में होना चाहिए, जैसे कि हॉलीडेज और रात में वीडियो केवाईसी अवेलेबल नहीं रहता है। और जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका जो वर्चुअल एटीएम कार्ड है उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस वर्चुअल एटीएम कार्ड को देखने के लिए आप एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे अपना वॉलेट देखने को मिल जाएगा और साइड में यहाँ पे जो है आपका वर्चुअल एटीएम कार्ड देखने को मिल जाएगा। इस कार्ड का कार्ड नंबर, सीवीवी और वैलिड डेट देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड नंबर, सीवीवी और यहाँ पे जो है वैलिड डेट देखने को मिल जाएगा। और अभी आप इस कार्ड का यूज करके किसी भी यूपीआई ऐप जैसे फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स को भी बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। तो गाइस इस तरह से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप एयरटेल पेमेंट बैंक में खोल सकते हैं वो भी घर बैठे। उम्मीद है गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस।